हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका बायोलॉजी मुकेश क्लासेस में स्वागत है। आज आपने थंबनेल देख लिया होगा जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ से ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जितने भी क्वेश्चन आपके वाइवा में बन पाएंगे वो मैं इजीली तरीके से आपको सॉल्व करवाता हूँ। और आपने यदि स्पर्म का डायग्राम बनाया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाया है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी का भी वाइवा के लिए बनाया है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ से वाइवा के लिए सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और यहाँ से पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा। कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम तक जो भी क्वेश्चन बन पाते हैं वो भी आपको यहीं से हूबहू मिल जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं आपको मिलेगा। ओनली जो एग्जाम में क्वेश्चन बन पाते हैं वही हम यहाँ पे आपको सॉल्व करवाएंगे इजीली डायग्राम के माध्यम से। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं, हम स्पर्म के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो जो हमारा स्पर्म होता है, स्पर्म ये हमारा मान लेते हैं ब्रेन है, और ब्रेन का जो ये पार्ट होता है इसे हम इंटीरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीरियर पार्ट होता है ये, हमारे ब्रेन का इंटीरियर पार्ट है। और ये इंटीरियर पार्ट अगर मस्तिष्क होता है, इसी में एक पीयूष ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो पीयूष ग्लैंड जो होती है वो यहाँ पे इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है, तो इसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये हमारे मस्तिष्क का ये वाला जो भाग होता है, इस मस्तिष्क के भाग में एक हमारा लटकती हुई एक हड्डी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं स्फेनॉइड बोन। क्या बोलते हैं? स्फेनॉइड बोन। इसी में एक भाग होता है सेला टर्सिका। क्या होता है? सेला टर्सिका भाग पाया जाता है हमारे ब्रेन में, ये इसी में स्थित होती है। तो ये पीयूष होती है जहां से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है GnRH। इसे बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, यहां से दो प्रकार के हार्मोन जो होते हैं वो निकलते हैं। तो एक हार्मोन का नाम होता है LH। क्या नाम होता है? LH। और दूसरे हार्मोन का नाम होता है FSH। LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो ये LH हार्मोन होता है, ये अपने अंदर से कोशिकाओं को स्रावित करता है। तो जो कोशिकाएं इनके अंदर से निकल करके बाहर आती हैं उनका नाम है लीडिंग सेल। क्या नाम है? लीडिंग सेल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो किन कोशिकाओं को स्रावित करता है या सिक्रेटेड करता है। तो आपको आंसर देना है कि ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है वो लीडिंग कोशिकाओं का सिक्रेशन करता है। और यहाँ पे जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये सर्टोली कोशिकाओं का सिक्रेशन करता है। किसका? सर्टोली कोशिकाओं का सिक्रेशन करता है। तो यहाँ पे जो सर्टोली कोशिकाएं बाहर निकल के आती हैं और यहाँ पे लीडिंग कोशिकाएं आती हैं। तो यल से याद रखेंगे LH और यल से याद रखेंगे लीडिंग सेल। तो जो ये लीडिंग सेल होती हैं, ये क्या करती हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है इसका सिक्रेशन करती हैं। तो लीडिंग कोशिकाएं किसका सिक्रेशन करती हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। और जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, ये ABP प्रोटीन। क्या? ABP प्रोटीन, जिसे बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है, ये किस हम अंग की बात कर रहे हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं। मेल में स्पर्म पाया जाता है। इसलिए यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कैसे बताइए हार्मोन जो इसमें नर में पाए जाते हैं, तो आपको आंसर देना है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि एंड्रोजन हार्मोन्स के नाम से जानी जाती है। ये जो होती है संरचना, ये मानव में पाई जाती है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, कहां जहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जहां पे स्पर्म का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं कि जो स्पर्म निर्मित होते हैं वो कौन सी नलिकाओं में होते हैं। तो टेस्टिस जो होता है हमारा, उस टेस्टिस के चारों ओर, टेस्टिस के चारों ओर जो होता है वो तीन परतें पाई जाती हैं। बना लिया टेस्टिस, ये क्या है हमारा, मान लेते हैं ये हमारा टेस्टिस है। और आपको इजीली तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा पूरा, यदि आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं। तो ये हमारे टेस्टिस के ऊपर चारों ओर आवरण पाया जाता है जिसे बोलते हैं स्क्रोटम। जिसमें ये बंद रहता है उसे क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। तो ये पूरा भाग क्या कहलाएगा? स्क्रोटम कहलाएगा। और जो स्क्रोटम होता है, मान लेते हैं जिस स्थान से ये टेस्टिस लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं गुबर्नेकुलम। क्या बोलते हैं? गुबर्ना कुलम बोलते हैं, गुबर्ना कुलम बोलते हैं। तो गुबर्ना कुलम से टेस्टिस किसी आधार से लगा रहता है और इसमें एक पेशी पाई जाती है जिसका नाम होता है डार्टोस पेशी। क्या नाम होता है? डार्टोस पेशी।
तो डार्टोस पेशी की वजह से ही जो ये टेस्टिस होता है वो सिकुड़ता और फैलता है। इसके बाद इसमें ऊपरी वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपरिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका प्रोपरिया बोलते हैं, ट्यूनिका प्रोपरिया बोलते हैं। यहाँ पे जो संरचनाएं निकली रहती हैं ये, इनको हम बोलते हैं टेस्टिस लेब्यूल बोलते हैं, टेस्टिस लेब्यूल बोलते हैं। इन टेस्टिस लेब्यूल की जो संख्या होती है आपसे पूछी जा सकती है, तो 200 से लेकर 250 तक टेस्टिस लेब्यूल की संख्या पाई जाती है। इन्हीं टेस्टिस के बीच में छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं, इन्हीं टेस्टिस के बीच में छोटी छोटी नलिकाएं ये आपको दिखाई दे रही होंगी। तो इन छोटी छोटी नलिकाओं को हम बोलते हैं सेमनी फेरस टिब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमनी फेरस टिब्यूल बोलते हैं, सेमनी फेरस टिब्यूल बोलते हैं। और इनकी सेमनी फेरस टिब्यूल की संख्या होती है 1 से 3। कितनी होती है? 1 से 3 पाई जाती है। ये जो सेमनी फेरस टिब्यूल्स होती हैं ये यहाँ पर आ करके आपस में ये गुच्छे नुमा संरचना बना लेती हैं, ये गुच्छे नुमा संरचना बना लेती हैं। तो ये जो गुच्छे नुमा बनकर संरचना तैयार हो जाती है इसे हम बोलते हैं वर्षण पालिका। क्या बोलते हैं? वर्षण पालिका बोलते हैं। और इसी वर्षण पालिका से कम 15 से 20 कोशिकाएं, छोटी छोटी नलिकाएं निकली रहती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वासा इफरेंसिया। क्या बोलते हैं? वासा इफरेंसिया बोलते हैं। कितनी होती है? 15 से 20 पाई जाती है। तो ये वासा इफरेंसिया जो होती है वो 15 से 20 पाई जाती है। और यहाँ पे जो भी वासा इफरेंसिया होती है वो यहाँ पे ऐसी संरचना पाई जाती है। इसके पहले जो ये जालनुमा संरचना दिख रही है ये आपस में एकत्रित हो जाती है, इसीलिए इसे बोलते हैं रेटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटी टेस्टिस बोलते हैं, रेटी टेस्टिस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो संरचना जुड़कर यहाँ पे तैयार हो जाती है, तो ये आगे जो बनकर संरचना ये गई है, ये आगे यहाँ पे वासा इफरेंसिया की जो संरचना बनकर गई है ये आपस में जुड़ करके एक इस लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना लेती है। तो यहाँ से जो शुक्राणु यहाँ पे बनते हैं इन नलिकाओं में, अभी इन नलिकाओं को बाहर हम दिखाएंगे आपको डायग्राम के माध्यम से। तो यहाँ पे जो ये शुक्राणु यहाँ पे बनकर तैयार होते हैं, तो ये वाला भाग जो होता है इसे हम बोलते हैं एपिडीडाइमस। क्या बोलते हैं? एपिडीडाइमस बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो हमारे स्पर्म होते हैं वो स्पर्म अपना जा करके ऐसा कौन सा स्थान होता है जहां पे थोड़े समय के लिए वो रुकते हैं या एकत्र होते हैं। तो आपको आंसर देना है एपिडीडाइमस, या इसे हम अधिवर्षण कहते हैं। तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं, एक होता है केपुट। क्या होता है? केपुट एपिडीडाइमस। और एक होता है कार्पस, एक होता है कार्पस, और एक होता है भाग इसका कोडा। क्या होता है? कोडा भाग पाया जाता है। तो केपुट, कार्पस, कोडा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एपिडीडाइमस के कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से? केपुट, कार्पस और कोडा। ये संरचना पूरी टेस्टिस की बनकर तैयार हो गई। अब यहाँ पे स्पर्म जो आते हैं, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि स्पर्म जो होता है उसमें टेल जो होती है उसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो आपको आंसर देना है एपिडीडाइमस में जो हो स्पर्म जो होता है उसकी टेल का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि क्वेश्चन कितने बन सकते हैं यहाँ से, कि इसमें जो सेमनी फेरस टिब्यूल्स होती है उसकी संख्या कितनी होती है? 1 से 3 होती है। टेस्टिस लेब्यूल की संख्या कितनी होती है? तो ये 200 से लेकर 250 तक पाई जाती हैं। एपिडीडाइमस में क्या होता है? शुक्राणु जो होते हैं वहां पे शुक्राणुओं का म्यूचुएशन होता है। कहाँ पे? एपिडीडाइमस में होता है। यहाँ पे रेटी टेस्टिस एक संरचना पाई जाती है। तो इसका जो क्रम होता है वो नीट में एक बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शुक्राणु जो होते हैं वो कहाँ पे एकत्र होते हैं? तो आपको आंसर देना है एपिडीडाइमस। और कॉम्पिटेटिव लेवल में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एपिडीडाइमस जो भाग होता है वहां पे शुक्राणुओं की पूंछ का निर्माण होता है, टेल का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके आगे का जो टॉपिक है। अभी हम आपको शुक्राणु के बारे में कोई भी पॉइंट नहीं बता रहे हैं डायग्राम्स जो आपने बनाया है वाइबा में, लेकिन कैसे फॉर्मेशन होता है शुक्राणुओं का उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपने देखा होगा संरचना बनकर तैयार हुई थी, तो यहाँ पे क्रम पूछ लेता है कि बताइए कि कैसे क्रम होगा। तो आप जो है टेस्टिस जो होता है उसमें क्रम याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं हम? सेमनी फेरस टिब्यूल की। क्या बात करते हैं? सेमनी फेरस टिब्यूल होती है। सेमनी फेरस टिब्यूल के बाद होते हैं रेटी टेस्टिस। क्या होती है? रेटी टेस्टिस होती है। और रेटी टेस्टिस के बाद में जो संरचना बनकर आती है उसे हम बोलते हैं क्या? वासा इफरेंसिया। क्या बोलते हैं? वासा इफरेंसिया बोलते हैं, वासा इफरेंसिया बोलते हैं। और वासा इफरेंसिया जो संरचना होती है वो जा करके जुड़ जाती है एपिडीडाइमस से। किससे जुड़ जाती है? एपिडीडाइमस से जुड़ जाती है। और वासा इफरेंसिया जो होती है एपिडीडाइमस से जुड़ती है, और एपिडीडाइमस जो होता है वो वासा डिफरेंसिया से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है? वासा डिफरेंसिया से
जुड़ जाता है। तो ये एक कर्म पूछा जा सकता है कि टेस्टिस जो होते हैं उसमें शुक्राणु जो होते हैं जब वो चलते हैं तो कौन से क्रम में चलते हैं, तो आपको आंसर याद रखना सेमी फेरेस्टिब्यूल, रेटी टेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, एपिडीडाइमस और वासा डिफरेंस। तो ये वासा डिफरेंस जो होती है शुक्रवाहक नलिका कहलाती है जो शुक्राणुओं को ले जाने का काम करती है। अब हम देखते हैं शुक्राणु जो होता है उसके बारे में, देखते हैं कि वहां से कौन कौन से क्वेश्चन बन पाएंगे जो आपने डायग्राम बना के रखा होगा। तो यहां से जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु उसका हम डायग्राम देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये शुक्राणु की संरचना होती है। ये क्या है, आपके सामने शुक्राणु की संरचना बना है, और इस शुक्राणु की जो संरचना होती है, इस शुक्राणु की जो संरचना होती है ये आपको दिख रही होगी कि शुक्राणु की संरचना हमने बना दी यहां पे। ये जो भाग होता है शुक्राणु का, ये जो भाग होता है ये मिडल पार्ट कहलाता है। कौन सा, मिडल पार्ट। तो यहाँ पे शुक्राणु की जो मिड टिप होती है, ये मिड टिप, यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एक्रोसोम। क्या नाम होता है, एक्रोसोम नाम होता है। अब इसे हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं, इसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। तो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण जो होता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है। किसका निर्माण, एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है। अब इसे हाइड्रोलिटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी भी कोशिका के पास जाने के बाद उस कोशिकाओं के ऊपर जो लेयर पाई जाती है उनको ये गलाने का काम करता है। और ये एक्रोसोम जो होता है जहां से प्रवेश करता है किसी अंडे के अंदर, यानी ओवम, महिला के ओवम के पास में जब ये स्पर्म तैरते हुए जाता है तो इसका जो टिप भाग एक्रोसोम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या करता है, तो जिस अंडे में ये प्रवेश करता है, तो जिस क्षेत्र से प्रवेश करता है, जैसे मान लेते हैं ये अंडा है, अभी इस स्पर्म यहाँ पे आया और यहां से इसने प्रवेश किया, तो ये जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं रिसेप्शन कोन। क्या बोलते हैं, रिसेप्शन कोन बोलते हैं। और ये टीजीटी परीक्षा में पूछा जा चुका क्वेश्चन कि स्पर्म जहां से प्रवेश करता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है, तो आपको आंसर देना है रिसेप्शन कोन कहलाता है। और सबसे ऊपर जो अंडे के ऊपर ये परत पाई जा रही है इसे हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। तो ये कौन सी परत को अपने ब्रेक करता है, तो कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करता है। तो एक्रोसोम एंजाइम जो होता है इसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं, और एक्रोसोम एंजाइम का निर्माण गाल्जी बॉडी या गाल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है। तो ये जो संरचना बनकर आपके सामने दिख रही होगी, तो ये स्पर्म की संरचना है, और ये जो स्पर्म का भाग होता है ये हेड भाग है। कौन सा, ये हेड भाग, स्पर्म हो गया हेड, दूसरा ये भाग हो गया नीक, नीक हो गया, नीक हो गया, और तीसरा भाग ये हो गया मिडिल, तीसरा भाग हो गया मिडिल, और ये हो गया टेल, ये क्या हो गया, टेल पार्ट हो गया। तो यहां पे जो स्पर्म के भाग आपको दिख रहे होंगे, हेड एक हो गया, निक दो हो गए, मिडिल तीन हो गए, और टेल चार। तो यहाँ पे इसमें छोटी छोटी ऐसी पार्टिकल संरचनाएं पाई जाती हैं, ऐसे पार्टिकल इसमें साइटोप्लाज्मिक ध्रुव भरा रहता है यहाँ पे, और एक गोलाकार संरचना आपको ऐसे दिख रही होगी, ये आपको गोलाकार संरचना दिखाई दे रही होगी, तो इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये हमारा केंद्रक पाया जाता है इसमें, क्या पाया जाता है, केंद्रक। और ये कैसा केंद्रक यहाँ पे होता है, ये हेप्लोइड होता है, मतलब आगुणित केंद्रक पाया जाता है। अब ये जो भाग होता है यहाँ पे देखिए, नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा और एक ये पार्ट दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। कितने सेंट्रियोल पाए जाते हैं, दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। और इसमें जो ये सेंट्रियोल जो इधर थोड़ा नीचे की ओर दिख रहा होगा, ये डिस्टल सेंट्रियोल कहलाता है। कौन सा, डिस्टल सेंट्रियोल कहलाता है। और ये जो सेंट्रियोल होता है, आपको इसका फंक्शन पता होना चाहिए कि डिस्टल जो सेंट्रियोल होता है ये फर्स्ट, जो आपको ये टेल दिख रही है, तो यहाँ पे एक टेल इंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, टेल इंड पाई जाती है। इस टेल इंड के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, इस टेल के इंड के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो ये जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है ये इस टेल का निर्माण करने में सहायता करता है। अब यहाँ पे जो ये बड़ा वाला आपको दिख रहा होगा, आपको बड़ा वाला सेंट्रियोल दिख रहा होगा, तो ये बड़ा वाला जो सेंट्रियोल होता है ये क्लीवेज, ये क्या करता है, क्लीवेज फर्स्ट की कंडीशन करता है। ये क्लीवेज फर्स्ट किसके द्वारा होता है, तो आपको आंसर देना है सेंट्रियोल, मैक्रो सेंट्रियोल के द्वारा क्लीवेज फर्स्ट होता है, जो कि एपोमिक्सल पार्ट में पाया जाता है, अग्रस्त पार्ट में पाया जाता है। तो यहाँ पे ये आपको भाग दिख रहा होगा ये वाला,
अब इस भाग में जो माइटोकांड्रिया पाया जाता है, पूछ लेता है क्वेश्चन एग्जामिनर कि बताइए माइटोकांड्रिया शुक्राणु के किस भाग में पाया जाता है, तो आपको आंसर देना है मिडल रीजन में माइटोकांड्रिया प्रेजेंट होता है। और ये जो माइटोकांड्रिया मिडल रीजन में प्रेजेंट होता है, इसका वर्क क्या होता है? तो माइटोकांड्रिया का वर्क होता है इसे एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करना। क्या प्रदान करना? एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करना, तो ये इसका फंक्शन होता है। और ये क्यों देता है एटीपी? क्योंकि जो इससे स्पर्म जो होते हैं उसमें मूवमेंट होता है और वो अपनी गतिशीलता को बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम आपने देख लिया होगा। अब इसमें क्या होता है, ये टेल एंड होता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन्स, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो नहीं पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसीलिए इसे टेल एंड कहते हैं। अब जो स्पर्म किसी भी ओवा में प्रवेश करता है, तो स्पर्म का जो ये आपको हिस्सा दिख रहा होगा ऊपर का, ये प्रवेश करता है किसी ओवा के अंदर, और इसकी टेल जो होती है वो ओवा के अंदर प्रवेश नहीं करती है। अब यहाँ से आपको स्पर्म से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे, और अब इसमें हम बताते हैं आपको वाइवा के पर्पज से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि वर्षण हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पाए जाते हैं? एक जोड़ी पाए जाते हैं। वर्षण जो होते हैं उनका मेन कार्य क्या होता है? तो उनका कार्य मेन होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। शुक्राणुओं का निर्माण हम मानव के शरीर में कौन से भाग में होता है? तो आपको आंसर देना है वर्षण में होता है। और वर्षण में शरीर की कौन सी कोशिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती है? तो आपको आंसर देना है स्पर्मेटोजोन्स, जो सेल्स होती है वो करती है, और उसी में जो संरचनाएं नलिकाएं पाई जाती है उनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नर हार्मोन के नाम बताइए, तो आपको बताना है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन जो होते हैं ये नर हार्मोन कहलाते हैं। अब यहां से पूछा जाएगा कि वर्षण शरीर से बाहर क्यों स्थित होते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर में शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता है, इसलिए जो शुक्राणु होते हैं उनका निर्माण के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की कम आवश्यकता होती है, इसलिए जो टेस्टिस होते हैं वो हमारे शरीर के बाहर स्थित होते हैं। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए शुक्राणुओं का निर्माण सबसे कहां पे होता है? तो आपको आंसर देना है सबसे ज्यादा शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वो टेस्टिस में होता है, और उसके बाद अग्रभाग का जो सेमिनल वेसाइकल होता है जिसे हम शुक्राशय बोलते हैं वहां पे 70% निर्माण होता है। और यदि आपको कर्म पूछ ले कि जो शुक्राणु होते हैं उनके कर्म के अकॉर्डिंग वो क्षारी होते हैं कि एसिडिक होते हैं, तो आपको आंसर देना है क्षारी होते हैं। और जो शुक्राणु होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान 7.3 से लेकर 7.5 के मध्य में पाया जाता है। तो शुक्राणुओं का यदि पूछ ले कि शुक्राणु जो होते हैं तो शुक्राणुओं में जो गतिशीलता उत्पन्न होती है वो किसके माध्यम से उत्पन्न होती है? तो गतिशीलता देने के लिए माइटोकांड्रिया यहाँ पे उपस्थित होता है। वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।